आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 है हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 12% पर एनम इज रुपीज 1380। अब यहां पर हमें SI निकालना नहीं है, यहां पर SI दिया हुआ है 1380। ठीक है, पहला पार्ट है द सम ऑफ मनी, यानी कि अब हमें यहां पर निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, रेट क्या है हमारा 12%। ठीक है, और टाइम क्या है यहां पर हमारा 2 इयर्स। यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, P निकालना है। P निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। वैल्यूज पुट अप करता हूं, SI दिया हुआ है हमें 1380 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन, रेट दिया हुआ हमें 12, टाइम दिया हुआ हमें 2। रिड्यूस कर देते हैं 2 15 टाइम्स 50 टाइम्स 2 6 सा 2 25 सा 6 1 सा 6 6 2 जा 12 13 में से 1 बचा 18 6 3 सा 18 0। हमारे पास यहां पर क्या आता है, P इक्वल टू 230 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25 0 सा 0 25 3 जा 75 का 5 कैरी 7 25 2 जा 50 और 7 57। तो हमारे पास इन प्रिंसिपल जो निकल कर आया वो आया 5750। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया ये 5750, सम ऑफ मनी निकाल दिया जिस पर इतना इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो उसमें है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन दिस सम ऑफ दिस सम, इस सम के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। ठीक है, हाफ ईयरली जो है वो पेएबल हो। ठीक है, तो यहां पर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसके अंदर। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल है हमारे पास यहां पर 5750 जो हमने निकाला है, रेट है हमारे पास फिर यहां पे 12% और टाइम है यहां पर हमारे पास 1 ईयर। और वन ईयर अगर हाफ ईयरली है तो 2 हाफ ईयरली लिख सकते हैं हम, 2 हाफ ईयरली, क्योंकि एक साल में जो है वो 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, अब अगर रेट हमारे पास यहां पे 12% है तो हाफ ईयरली में जो है वो ये 6% हो जाता है, क्योंकि हम इसको हाफ कर देंगे। हाफ ईयरली वाले टाइमिंग में हम ईयर को कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ ईयरली में, नंबर ऑफ हाफ ईयरलीज, और रेट को जो है वो हम हाफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये चीजें हो गई। तो अब जो हमें निकालना है सेकंड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए पहले हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power n। ये हो जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल है हमारे पास 5750 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 + रेट हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए 6/100 और n में आ जाएगा हमारा, अगर 1 ईयर के लिए निकालना ओनली 1 ईयर और 2 हाफ ईयरलीज हैं तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5750 मल्टीप्लाइड बाई 106/100, क्योंकि 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 + 6 106 हो जाएगा, 106/100 × 106/100। ये हमारा कैलकुलेशन पूरी बन के आ जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे काट देंगे, यहां पर हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, 250 टाइम्स आ जाएगा, 253 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आ गया हमारे पास 5750 मल्टीप्लाइड बाई 53/50 × 53/50। ये भी 53/50 हो जाएगा, 2 से रिड्यूस हो गया, अगर ये 53/50 हो गया तो। ठीक है, ये इस फॉर्मेट पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहां से कि इसको एक जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे, इस 5 × 5 करेंगे, 5 × 5 5 × 5 5 × 5 = 25 कर देंगे, फिर इस 5 50 को 5 10 सा कर देंगे, यहां पे 5 2 10 कर देंगे और 5 3 15 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, यहां पर हमारे पास बचता है अब 23 × 53 × 53/10।
ठीक है, अब 53 53 को मल्टीप्लाई करेंगे और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कर लेते हैं 53 इंटू 53 हो जाएगा हमारा 9, और 15 और 15 और 26, 9 10 6 8 6 एंड 1 7 एंड 1 8, और 2809 हो गया हमारा, 2809, और उसको 29 से कर लेते हैं, 2809 को 29 से करते हैं, 2809 को 29 से करते हैं, सॉरी 23 से करते हैं, 9 से नहीं, 3 9 27, 2 यहां पर 0 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 8 24, 3 2 6 और 2 8 आ गया, फिर ये हो गया 2 9 18, यहां 1 आ गया, 2 8 16, 2 2 4 और 5 आ गया, ये आ गया 7 10 6 14 और 6, ठीक है, तो ये हमारा यहां पर आ गया 6 4 6 0 7 अपॉन 10 अपॉन 10, का मतलब यहां पर एक के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं इस 10 को हटा के, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6460.7 रुपीज। ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा अमाउंट निकल कर आया है ना, फॉर 1 ईयर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI क्या कैसे निकलेगी, अमाउंट हमारा क्या है 6460.7 और माइनस हमारा प्रिंसिपल क्या था 5750, तो आंसर क्या आएगा, इनको माइनस कर लेते हैं, 6460.7 और माइनस करना है 5750.0, ये 7 आ गया, ये 0 आ गया, 6 में से 5 1, 14 में से 7 7, 5 में से 5 0, 710 रुपीज एंड 70 पैसा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था एक साल के लिए हाफ ईयरली। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।